बुरहानपुर के जिला अस्पताल में अब QR कोड स्कैन करते ही मरीज अपने घर बैठकर पर्ची बनवा सकते हैं। इसके लिए जिला अस्पताल में ई ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के तहत QR कोड भी लगाया गया है। इस QR कोड को स्कैन कर मरीज पर्ची बनवा सकते हैं। केवल मरीज को काउंटर पर जाकर नाम बोलना है, तुरंत ही उन्हें पर्ची मिल जाएगी। इसके लिए एक काउंटर अलग से लगाया गया है, जिससे अब मरीजों को उपचार कराने में आसानी होगी और समय की बचत के साथ मरीजों को कतार में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। जिला अस्पताल में QR कोड लगने से अब मरीज इसका फ़ायदा उठा सकेंगे, ताकि यहाँ पर मरीजों को कतार में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। शासन की ओर से 20 अगस्त को ई ऐप लॉन्च किया गया है, जिसको लेकर कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जिला अस्पताल में आज से QR कोड की शुरुआत हो गई है। पहले ही दिन 14 मरीजों ने QR कोड स्कैन कर पर्चियां बनवाई और डॉक्टरों से उपचार करवाया। जिला अस्पताल में पर्ची काउंटर से रोजाना 300 से अधिक मरीज उपचार कराने के लिए पहुंचते हैं। यहां पर सुबह 8 बजे से लोगों की लंबी लंबी कतारें पर्ची बनाने के लिए लग जाती थी, लेकिन अब यहां पर लोगों को आसानी होगी। BPL कार्डधारी मरीजों को निःशुल्क पर्ची यहाँ पर काउंटर से मिलेगी। केवल उन्हें अपना नाम बताना होगा और सामान्य मरीज को 10 रुपये पर्ची के चुकाना होगी। जो नई सुविधा शुरू हुई है, आप घर से चिट्ठी बना सकते हो, क्या अच्छी सुविधा है? जी अच्छी। क्या उसमें क्या होगा, घर से चिट्ठी बना सकते? हाँ, घर से बना लेंगे तो अपना भी समय बचता है। समय बचेगा। हाँ, अच्छी सुविधा है। अच्छी सुविधा है। क्या नाम आपका? दुबीना शेख। समाचार होने जा रहा है तो मरीजों के लिए आप घर से भी चिट्ठी बनेगी, क्या है उसको? मरीजों के लिए ई हॉस्पिटल के अंतर्गत अब सेल्फ रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन रखा है, जिसमें QR कोड जनरेट हुआ है। उस QR कोड के माध्यम से सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन सेल्फ कर सकते हैं। अस्पताल में काउंटर पर आके केवल उन्हें नाम बताना है और अपनी चिट्ठी ले जाना है। घर से मतलब घर से बैठ कर भी बना सकते हैं आप, कहीं से भी। कब से शुरू हुई है और ये व्यवस्था? 20 तारीख से अपन ने चालू करी है। कितने लोग अभी तक लाभान्वित? अभी 13 ही लोगों ने करा है। इससे क्या क्या आसानी होगी मरीजों को? मरीजों को लाइन में ना लगना पड़े, उसके लिए ये सेल्फ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन रखा है QR कोड के माध्यम से। ये गवर्नमेंट का है? हाँ, ये गवर्नमेंट का है। NIC द्वारा। क्या नाम आपका? उमाकांत चौहान।